बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने फैक्टोरियल के बारे में स्टडी करना है। सबसे पहले हमें देखना होगा कि फैक्टोरियल क्या है। ज़्यादा प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड हैं, फैक्टोरियल से रिलेटेड। फैक्टोरियल मीन, लेट्स सपोज यू हैव 4 फैक्टोरियल, तो इट्स मीन प्रोडक्ट ऑफ 4 टिल 1। ठीक है, ठीक रिवर्स में आपने जाना है, तो 4 × 3 × 2, ठीक है, 24 आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेटर पर भी फैक्टोरियल अवेलेबल होता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एल के साथ एक शेप बनी होती है 4। और इसी तरह अगर हम जो है वैल्यू लिखते हैं 100 फैक्टोरियल, तो इट्स मीन 100.99। जहाँ पे हमने स्टॉप करना है, फॉर एग्जांपल हमने 97 पे स्टॉप करना है, तो इट्स मीन यहाँ पे हम फैक्टोरियल लगा देंगे। यहाँ पे स्टॉप करना होगा, वहाँ फैक्टोरियल लगा देंगे। ओके okay? जी अच्छा जी, अगर लेट्स सपोज वी हैव एन फैक्टोरियल, इट्स मीन के एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एंड सो ऑन टिल 2.1। अगर रिवर्स में हम वैल्यूज लेकर आएंगे, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। टेस्ट 4 है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 है। 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, ओवर 8 फैक्टोरियल। सो यू विल सॉल्व लाइक दिस, क्वेश्चन नंबर 1, टेस्ट 4। नंबर्स में से है 8 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल। सो इट्स मीन यू कैन राइट 8 फैक्टोरियल प्लस 9, को आप लिख सकते हैं 9.8 फैक्टोरियल, और 10 को आप लिख सकते हैं 10.9.8 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल। नाउ यू कैन टेक कॉमन 8 फैक्टोरियल, ठीक है, यहाँ से जी हमने 8 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, ठीक है। सो रिमेनिंग वैल्यूज विल बी 1 प्लस 9 प्लस 10.9 ओवर 8 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, यू विल गेट 10 × 9, 90, 90 90 प्लस 9, 99 प्लस 1, 100। हंड्रेड सो आंसर विल बी 100, ठीक है। जी और ये जो हमारे पास ऑप्शन है 100 की, डी ऑप्शन है। ओके, सो जी नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। 12 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल ओवर 9 फैक्टोरियल। ट्वेल्व फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल ओवर 9 फैक्टोरियल। सो वी हैव टू सॉल्व लाइक दिस, हम यहाँ से इसको 9 तक रिवर्स ओपन करेंगे, ताकि डिनोमिनेटर का जो फैक्टोरियल है वो हमारे पास वैल्यू आ जाए। 12.11.10.9 फैक्टोरियल माइनस, जो फर्स्ट वैल्यू थी वो मैंने ओपन किया। अब सेकंड वैल्यू को, 10 फैक्टोरियल को मैं लिखने जा रहा हूँ, 10.9 फैक्टोरियल, एंड इन द डिनोमिनेटर इट्स अ 9 फैक्टोरियल। अब आप क्या कॉमन ले सकती हैं,
यहाँ से 9 फैक्टोरियल कॉमन ले सकती हैं, ठीक है? सो 9 फैक्टोरियल इज हेयर एज अ कॉमन एंड द रिमेनिंग वैल्यू विल बी 12.11.10 -10 होल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल। अब 9 9 से क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा कैंसिल एंड वी विल गेट, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 110 और सॉरी 108, 108 को इससे मल्टीप्लाई करें 10 से, तो यू विल गेट 108 मल्टीप्लाई 10, 1080 -10, तो 1070। दिस विल बी द आंसर। सर, हमने नीचे डिनोमिनेटर को देखना है, 9 है तो फिर 12 से 9 नाइन तक तक लेके जाने। जी हमने डिनोमिनेटर को ओके फॉलो करना है ताकि मैक्सिमम मैक्सिमम जो है वो हमारी कटिंग हो जाए। तो मैक्सिमम 9 फैक्टोरियल है तो ऊपर से भी 9 फैक्टोरियल तक ओपन करें रिवर्स में और कॉमन ले लें। जी नेक्स्ट हमारे पास 1070। अच्छा, हमारे पास 1070 ऑप्शन में आंसर आ रहा है और यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। 10.11 मैंने गलत किया। थर्टीन ट्वेंटी सॉरी 1320 द प्रोडक्ट इज 1320 यहाँ से। यहाँ से आ रहा है 1320 -10 आ रहा है, सो आंसर विल बी 1310। थर्टीन टेन सी ऑप्शन, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर अगर आप 5 देखें तो आप खुद से कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 6 फैक्टोरियल, ऊपर हमारे पास आ रहा है मिनिमम 5 फैक्टोरियल, तो नीचे भी हम फिर 5 तक जा सकते हैं, ठीक है? देखिएगा, जी। फाइव फैक्टोरियल प्लस 2.6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 2.6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल -6। तो इसमें जो अगर ऊपर से और नीचे से जो कॉमन वैल्यू आ सकती है वो 5 फैक्टोरियल आ सकता है। देखें, ये 6.5 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये भी ओपन हो सकता है 7.6.5 फैक्टोरियल, यहाँ से क्या आ सकता है 8.7.6.5 फैक्टोरियल, ये भी क्या हो सकता है 6.5 फैक्टोरियल। क्लियर? जी नाउ आई विल टेक कॉमन फ्रॉम द न्यूमिनेटर, 5 फैक्टोरियल मैं कॉमन ले रहा हूँ, रिमेनिंग वैल्यू विल बी 1+2.6 आएगा, 2.6 आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट में आ जाएगा 6.7, 7.6 और डिनोमिनेटर में 8.76 -6 और कॉमन क्या लिया हमने 5 5 नीचे। फैक्टोरियल, हाँ जी, ये कट हो गया। अब बाकी वैल्यूज़ को हम कर सकते हैं 12 और यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, हाँ 6 7 दैट 42 42 और 54 55 और यहाँ से 8 7 आर
56, 56 56 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 336 336 माइनस 6 तो 330 आ जाएगा। जी और इस पर डिवाइड कर दें 55, तो 6 आ जाते, 1/6 आंसर। 55 वन टाइम और 6 टाइम 330 होता है, तो 1/6 विल बी द आंसर विच इज द सी पार्ट। नाउ द न्यू क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन देखें जी। n फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n प्लस 2 फैक्टोरियल ओवर 12। n फैक्टोरियल प्लस n प्लस 12 फैक्टोरियल, n प्लस 1 नहीं था, सॉरी हाँ जी, n प्लस 1 और n नेक्स्ट प्लस 2 इज इक्वल टू n प्लस 2 फैक्टोरियल ओवर 12 ओवर 12। नौ हमें चाहिए कि हमें n की वैल्यू चाहिए। ओके तो जी। हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं, इसको रिवर्स ओपन कर सकते हैं और इसको भी रिवर्स ओपन कर सकते हैं। लेट्स सी कहाँ तक जा सकते हैं। यहाँ भी हम n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, और यहाँ भी n फैक्टोरियल है, मतलब एक वैल्यू पीछे जाएंगे तो n, अब नेक्स्ट अगर प्रीवियस जाएंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखें जी, n प्लस 2 इंटू प्लस 1 n प्लस 1 और n फैक्टोरियल ओवर 12। अब n फैक्टोरियल को हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से भी और फिर कट हो जाएगा। सो n फैक्टोरियल 1 प्लस n प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल्स टू n प्लस 2 n प्लस 1 और n फैक्टोरियल ओवर 12। लेट्स सी दिस विल कैंसिल और ये हो जाएगा एन प्लस टू, तो हमारे पास एन प्लस टू आ गई है वैल्यू। राइट साइड पर भी एन प्लस टू है, वो कट हो जाएगा ओवर 12। अब आप यहाँ देखें, दिस विल कैंसिल विद दिस, तो 12 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इट्स मीन 1 है, कटिंग हुई है, 12 इधर आ जाएगा। सो n प्लस 1 इज इक्वल टू 12, ओके 11 जी, और n इज इक्वल टू 11। क्लियर जी सर जी। तो हमारे पास बी ऑप्शन में 11 है, 7 सी द 7 क्वेश्चन। चलें 3 भी थोड़ा लुकिंग है जी, 3 फैक्टोरियल एक्स, 4 फैक्टोरियल एक्स इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल एक्स फाइंड करना है। थ्री फैक्टोरियल डॉट एक्स और 4 फैक्टोरियल डॉट एक्स इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, ठीक है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। ऑन द लेफ्ट साइड देखिए, मिनिमम आप 3 फैक्टोरियल तक आ सकते हैं, ठीक है। 4 को भी आप लिख सकते हैं 4 डॉट 3 फैक्टोरियल डॉट एक्स, और इसको भी आप ओपन कर सकते हैं
7.6.5.4.3 फैक्टोरियल। अब आप 3 फैक्टोरियल को कॉमन ले लें, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और कट कर दें। अंडरस्टैंड? जी यहाँ से हमारे पास वैल्यू लेफ्ट साइड पर होगी एक्स प्लस 4x, और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी, इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 42, 42 × 5 × 4, 840। हाँ, इट्स अ 5x, तो x इज इक्वल्स टू 840/5, सो आंसर विल बी 134/6/448, 168, x इज इक्वल्स टू 168। जी, ई ऑप्शन करेक्ट है जी, मौजूद है जी। नाउ यू विल टेल मी फातिमा, फोर को आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर को? ये आएगा एन 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 फैक्टोरियल ओवर एन, ये तो एन माइनस वन है नीचे, तो एन एन आगे को जाएंगे, जो न्यूमिनेटर है इसको रिवर्स किस तरह ओपन करेंगे? एन माइनस वन, नहीं 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 एन आएगा फिर एन माइनस वन आएगा। वेरी गुड, ठीक है, ऐसे ही करेंगे। हमारे पास है एन प्लस वन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू इक्वल्स टू 20। ओके, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हम इसी को ही ओपन करेंगे, न्यूमिनेटर को, सो दिस वैल्यू वी विल एक्सपेंड, एन प्लस वन, एन डॉट एन माइनस वन, और यहाँ पे फुल स्टॉप कर देंगे, फैक्टोरियल को स्टॉप कर देंगे, रिवर्स ओपन की फैक्टोरियल होता है, और एन माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 20। अब क्या चीज़ कट हो रही है, ये कट हो गया। अब यहाँ से आ रहा है, अब इसको हमने 4 5 सार लिख सकते हैं, 4 5 सार जी, और यहाँ देखें n इंटू एन प्लस वन आ रहा है लेफ्ट साइड पे, एक छोटी वैल्यू है, एक उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, तो n इज इक्वल्स टू 4। तो हमने इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करना कि मतलब n को n से मल्टीप्लाई करें, n स्क्वायर ले जाएं, फिर मिड टर्म ब्रेकिंग करें, तो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो आप ट्राई करेंगी, क्वेश्चन नंबर 8 देखें जी, एन फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 7 6 और इज इक्वल्स टू ए, हमें ए की वैल्यू चाहिए, सिंपल है, आप 6 फैक्टोरियल तक तो सारा लेफ्ट साइड पे ओपन कर सकती हैं, ठीक है, तभी कटिंग हो जाएगी, कर लेंगी जी। 8 9 देखें सी क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर किसको रिवर्स ओपन करेंगी, एन माइनस फाइव को या एन माइनस थ्री को? एन माइनस फाइव ही होगा जी, एन माइनस फाइव होगा, नहीं, एन माइनस फाइव को अगर आप ओपन करते हैं तो वैल्यू आएगी एन माइनस सिक्स, क्योंकि जितनी माइनस में वैल्यू बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है, उतनी छोटी होती है, हाँ जी, हाँ जी, तो हम इसको ओपन करेंगे n माइनस थ्री को, n माइनस थ्री को ओपन करेंगे तो इट विल बिकम n माइनस फोर, n माइनस फाइव, तो n माइनस थ्री और n माइनस फोर बच जाएगा और 72 रह जाएगा, n माइनस थ्री फैक्टोरियल ओवर n माइनस फाइव फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 72।
सो इसको हम एक्सपेंड करेंगे एन माइनस थ्री फैक्टोरियल डॉट एन माइनस फाइव फोर एन माइनस फाइव, एक एक माइनस करना होता है ना, तो माइनस थ्री माइनस वन तो माइनस फोर, माइनस फोर में माइनस वन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस फाइव हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में एन माइनस फाइव फैक्टोरियल ऑलरेडी है इज इक्वल्स टू 72, ये हमारे पास कट हो गया। अब देखें ये प्रोडक्ट है, ये लार्जर वैल्यू है, ये स्मॉलर है। एन माइनस थ्री लार्जर है, एन माइनस फोर स्मॉलर है। हम इसको भी लिख सकते हैं, ये लार्जर वैल्यू है, ये स्मॉलर है। तो 72 को हम लिख सकते हैं एक के डिफरेंस पर 9 8 ज़ार, 9 8 ज़ार। और ये देखें ये लार्जर है, ठीक ये स्मॉलर है। तो हमें तो n की वैल्यू चाहिए, तो लार्जर को लार्जर से कंपेयर कर दो या स्मॉलर को स्मॉलर से कर दो। जी तो हम n माइनस जी थ्री को 9 से कंपेयर करेंगे, सो n विल बी 12, n विल बी 12, चल ठीक है। सो योर जी आंसर इज, देख लेते हैं, वेरीफाइड कहाँ पे है बी जी, बी ऑप्शन 12 है, ठीक है, इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। 12 को, 12 का नहीं, सॉरी, 9 का, 9 का बी ऑप्शन, ठीक है, ओके। जी अच्छा जी, अब आपने जो क्वेश्चन करने हैं, 16 देख रही हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16 आ रहा है, आप कर सकती जी हैं। जी इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ रहा है, जी ठीक है, आप कर सकती जी हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा है, कर सकती हैं। इसको आपने ओपन करना है एन प्लस थ्री डॉट एन प्लस एन, ठीक है, और रिवर्स ओपन करना है, ठीक है, एन ओपन करना जी है एन माइनस वन, बहुत लास्ट तक जाएगी वैल्यू, ठीक है, लेकिन आप ट्राई कर लेंगी, ठीक है। अब आपके सिर्फ दो क्वेश्चन आपसे चेंज हैं, 10 14 और एक 12, ये थोड़े जी से चेंज हैं, लेकिन आपकी ये एक्सरसाइज टेस्ट कंप्लीट हो गया वैसे, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इनको कंप्लीट कर दूंगा, और नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट में फिर वो सारा कुछ वही आएगा, देख लेते हैं क्या है। अच्छा जी, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपने बेस थ्री और बेस फाइव में पढ़े थे, और बाइनरी टू ऑक्टा डेसिमल, ठीक है, और हेक्सा डेसिमल शायद आपने 6 7 8 में पढ़े हों, ठीक है। तो जी नेक्स्ट इजी है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, जस्ट मैं कराऊंगा आपको याद आ जाएगा, ओके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमें, हम दो दो अब स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, ओके। अभी मेरी क्लास स्टार्ट होनी है एकेडमी की, तो जी इंशाल्लाह फिर कल टाइम से कुछ स्टार्ट करेंगे, ओके, अल्लाह हाफिज़। या प्लीज